प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है समर यात्रा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। आज सवेरे ही से गांव में हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियां हंसती हुई जान पड़ती थी। आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आएगा। कोदई चौधरी के द्वार पर चंदोवा अर्थात शामियाना तना हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों पर उमंग है, हौसला है, आनंद है। वही बिंदा अहिर जो दौरे के हाकिमों के पड़ाव पर पाव पाव भर दूध के लिए मुंह छिपाता फिरता था, आज दूध और दही के दो मटके अहिराने से बटोर कर रख गया है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का अटम लगा गया है। गांव के नाई कहार सब आप ही आप दौड़े चले आ रहे हैं। अगर कोई प्राणी दुखी है तो वह नोहड़ी बुढ़िया है। वह अपनी झोंपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बुढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से यह समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर कोदई के द्वार पर जाए और कहे, मैं यह लाई हूं। वह तो दानों को मोहताज है, मगर नोहड़ी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। एक दिन उसके पास धन जन सब कुछ था, गांव पर उसी का राज्य था। कोदई को उसने हमेशा नीचे दबाए रखा। वह स्त्री होकर भी पुरुष थी। उसका पति घर में सोता था, वह खेत में सोने जाती थी। मामले मुकदमे की पैरवी खुद ही करती थी। लेना देना सब उसी के हाथों में था, लेकिन वह सब कुछ विधाता ने हर लिया। न धन रहा, न जन रहे। अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी। आंखों से सूझता न था, कानों से सुनाई न देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी और उधर कोदई के भाग उदय हो गए थे। अब चारों ओर से कोदई की पूछ थी, पहुंच थी। आज जलसा भी कोदई के द्वार पर हो रहा है। नोहड़ी को अब कौन पूछेगा, यह सोचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, मगर भगवान ने उसे इतना अपंग न कर दिया होता तो आज झोपड़ी को लिपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कढ़ाव चढ़ा देती, पूड़ियां बनवाती और जब वह लोग खा चुकते तो अंजलि भर रुपए उनकी भेंट कर देती। उसे वह दिन याद आया जब वह अपने बुढ़े पति को लेकर यहाँ से 20 कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वह उत्साह, वह सात्विक प्रेम, वह श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगी। कोदई ने आकर पोपले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है। नोहड़ी ने चौधरी को कटार भरी आंखों से देखा, निर्दयी मुझे जलाने आया है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है, जैसे आकाश पर चढ़कर बोली, मुझे जो कुछ देना था वह उन्हीं लोगों को दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाऊं। कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी, निकालो वह पुरानी हांडी। अब किस दिन के लिए रखे हुए हो, किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाज कैसे रहेगी। नोहड़ी ने कठोर दीनता के भाव से कहा, जले पर नमक न छिड़को देवर जी, भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना न पड़ता। इसी द्वार पर एक दिन साधु संत, जोगी हती, हाकिम सुवा सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते। कोदई लज्जित हो गया, उसके मुख की झुर्रियां मानो रेंगने लगी। बोला, तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो भाभी, मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम यह न कहने लगो, मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। यह कहता हुआ वह चला गया। नोहड़ी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका वह व्यंग सर्प की भांति उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था। नोहड़ी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा, जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी, मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राजरत्नों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़ छोड़कर उनका अभिवादन करने चले।
एक क्षण में तिरंगी पताका हवा में फहराती दिखाई दी, मानो स्वराज्य ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा है। स्त्रियां मंगलगान करने लगी। जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा। दो दो आदमियों की कतारें थीं। हर एक की देह पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर गांधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज्य का आलिंगन करने को तैयार हों। फिर उनका कंठ स्वर सुनाई देने लगा। उनके मर्दाने गलों से एक कौमी तराना निकल रहा था, गर्म, गहरा, दिलों में स्फूर्ति डालने वाला। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यह है कि हम सब बेहया कोई नहीं। एक दिन वह था कि अपनी शान पर देते थे जान, एक दिन यह है कि हम सब बेहया कोई नहीं। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। बेचारों के सिरों पर धूल जमी हुई थी, ओठ सूखे हुए, चेहरे संवलाए, पर आंखों में जैसे आजादी की ज्योति चमक रही हो। स्त्रियां गा रही थी, बालक उछल रहे थे और पुरुष अपने अंगोछों से यात्रियों को हवा कर रहे थे। इस समारोह में नोहड़ी की ओर किसी का ध्यान न गया। वह अपनी लठिया पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वह कोई रानी है, मानो यह सारा गांव उसका है, वे सभी युवक उसके बालक हैं। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी न किया था। सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया हो। वह एक पल अनुरक्त आंखों से आजादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, मानो उनकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो। तब वह नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सुंदरी नव यौवना प्रेम और उल्लास के मद से विह्वल होकर नाचे। लोग दो दो चार चार कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वह बुढ़िया अपना अतीत नृत्य कौशल दिखाने लगी। इस अलौकिक आनंद के रेले में वह अपना सारा दुख और संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में जहां सदा वायु का प्रकोप रहता था, वहां न जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फूर्ति कहां से आ गई थी। पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी ओर ताकते रहे, जैसे बालक बंदर का नाच देखते हैं। फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही हो। कोदई ने कहा, बस करो भाभी, बस करो। नोहरी ने थिरकते हुए कहा, खरे क्यों हो, आओ ना, जरा देखूं कैसे नाचते हो। कोदई बोले, अब बुढ़ापे में क्या नाचूं। नोहरी ने रुक कर कहा, क्या तुम आज भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया, इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती। हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो इन्होंने यह परंठाना है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियां और घुड़कियां सुनी है। अब तो उस जोर जुलुम का नाश होगा। हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने जोग थे? हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो ईमान से, यहाँ इतने आदमी हैं, किसी ने इधर 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है? घी किसी को सूंघने को मिला है? कभी नींद भर सोए हो? जिस खेत का लगान 3 रुपए देते थे, अब उसी के 9-10 देते हो? क्या धरती सोना उगलेगी? काम करते करते छाती फट गई। हम ही हैं कि इतना सहकर भी जीते हैं। दूसरा होता तो या तो मार डालता या मर जाता। धन्य है महात्मा और उनके चेले कि दीनों का दुख समझते हैं, उनके उद्धार का जतन करते हैं, और तो सभी हमें पीसकर हमारा रक्त निकालना जानते हैं। यात्रियों के चेहरे चमक उठे, हृदय खिल उठे, प्रेम की डूबी हुई ध्वनि निकली। एक दिन था कि पारस थी यहाँ की सरजमी, एक दिन यह है कि यूं बेदस्तों पा कोई नहीं। कोदई के द्वार पर मशाले जल रही थी। कई गांवों के आदमी जमा हो गए थे। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हम लोगों का जो आदर सत्कार किया, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी।
मैंने पूरब और पश्चिम के बहुत से देशों को देखा है और मैं तजर्बे से कहता हूँ कि आप में जो सरलता, जो ईमानदारी, जो श्रम और धर्म बुद्धि है, वह संसार के और किसी देश में नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप मनुष्य नहीं, देवता हैं। आपको भोग विलास से मतलब नहीं, नशा पानी से मतलब नहीं। अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना, यह आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। बुरा ना मानिएगा, आप लोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं। आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है, आप चू नहीं करते। अमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं, आप जवान नहीं हिलाते। इसका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों लूट रहे हैं, पर आपको खबर नहीं। आपके हाथों से सभी रोजगार छिनते जाते हैं, आपका सर्वनाश हो रहा है, पर आप आंखें खोलकर नहीं देखते। पहले लाखों भाई सूत काट कर, कपड़े बुनकर गुजर करते थे, अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आता है। यहाँ नमक बनाना जुर्म है। आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार को 200 साल तक उससे काम चल सकता है, पर आप 7 करोड़ रुपए सिर्फ नमक के लिए देते हैं। आपके ऊसरों में, झीलों में नमक भरा पड़ा है, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिनों में आपके कुओं पर भी महसूल लग जाए। क्या आप अब भी यह अन्याय सहते रहेंगे? एक आवाज आई, हम किस लायक हैं? नायक बोले, यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप भूखों मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। यह समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जानें हथेली पर लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, वह कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए? वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियां कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे, मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे, या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे? ऐसा अवसर फिर शायद कभी ना आए। अगर इस वक्त चूके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए न्याय और सत्य ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की जरूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डाले और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सके। बोलिए, क्या आप मदद कर सकते हैं? कोई आगे नहीं बढ़ता, सन्नाटा छाया रहता है। एकाएक शोर मचा, पुलिस, पुलिस आ गई। पुलिस का दारोगा कांस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों और धड़कते हुए दिलों से उनकी ओर देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगे। दारोगा जी ने हुक्म दिया, मारकर भगा दो इन बदमाशों को। कांस्टेबलों ने अपने डंडे संभाले, मगर इसके पहले कि वे किसी पर हाथ चलाए, सभी लोग हुर हो गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से। भगदड़ मच गई। 10 मिनट में वहां गांव का एक आदमी भी न रहा। हाँ, नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था। केवल कोदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए थिर आंखों से भूमि की ओर ताक रहे थे। दारोगा ने कोदई की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, क्यों रे कोदईया, तूने इन बदमाशों को क्यों ठहराया यहां? कोदई ने लाल लाल आंखों से दारोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गए। आज अगर उनके सिर गृहस्थी का बखेरा ना होता, लेना देना ना होता, तो वह भी इसका मुंहतोड़ जवाब देते। जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल होम कर दिए थे, वह इस समय एक विषैले सर्प की भांति उनकी आत्मा में लिपटी हुई थी। कोदई ने अभी कोई जवाब न दिया था कि नोहड़ी पीछे से आकर बोली, क्या लाल पगड़ी बांधकर तुम्हारी जीभ ऐंठ गई है? कोदई क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि कोदईयां कोदईयां कर रहे हो?
हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को आंख दिखाते हो, तुम्हें लाज नहीं आती? नोहड़ी इस वक्त दोपहरी की धूप की तरह कांप रही थी। दारोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया, फिर कुछ सोचकर और औरत के मुंह लगना अपनी शान के खिलाफ समझकर कोदई से बोला, यह कौन शैतान की खाला है कोदई? खुदा का खौफ ना होता तो इसकी जबान तालू से खींच लेता। बुढ़िया लाठी टेक कर दारोगा की ओर घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं जिनकी तुम जूतियां चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो यह लोग जो यहाँ आए हैं कौन हैं? यह वह लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक होमने को तैयार हैं। तुम उन्हें बदमाश कहते हो? तुम जो घूस के रुपए खाते हो, जुआ खिलाते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसा कर मुठियां गर्म करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो? नोहड़ी की तीक्ष्ण बातें सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दबक गए थे फिर जमा हो गए। दारोगा ने देखा भीड़ बढ़ती जाती है तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े। लोग फिर तीतर बीतर हो गए। एक हंटर नोहड़ी पर भी पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई चिंगारी सारी पीठ पर दौड़ गई। उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया, पर अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र करके ऊंचे स्वर से बोली, लड़को क्यों भागते हो? क्या न्योता खाने आए थे या कोई नाच तमाशा हो रहा था? तुम्हारे इसी लैड़ीपन ने इन सबों को शेर बना रखा है। कब तक यह मारधार गाली गुप्ता सहते रहोगे? एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया दो तीन कदम पर औंधे मुंह गिरा चाहती थी कि कोदई ने लपक कर उसे संभाल लिया और बोला, क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो यारो? क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द भी बना दिया है? औरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्थों पर वार करते हो, यह मर्दों का काम नहीं है। नोहड़ी ने जमीन पर पड़े पड़े कहा, मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते? भगवान, आदमी इतना निर्दयी भी हो सकता है? भला अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करे तो एक बात है, उसका राज है। तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज तो न मिलेगा मगर रांड मांड में ही खुश। इन्हें कोई तलब देता जाए, दूसरों की गर्दन भी काटने में इन्हें संकोच नहीं। अब दारोगा ने नायक को डांटना शुरू किया, तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए? नायक ने शांत भाव से कहा, खुदा के हुक्म से। दारोगा बोले, तुम रियाया के अमन में खलल डालते हो। नायक बोले, अगर तुम्हें उनकी हालत बताना उनके अमन में खलल डालना है तो बेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं। भागने वालों के कदम एक बार फिर रुक गए। कोदई ने उनकी ओर निराश आंखों से देखकर कांपते हुए स्वर में कहा, भाइयों, इस वक्त कई गांवों के आदमी यहाँ जमा हैं। दारोगा ने हमारी जैसे बेआबरूई की है, क्या उसे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं। आज अगर हम लोग मार डाले जाए तो भी कुछ न होगा। यह है हमारी इज्जत और आबरू, थोड़ी है इस जिंदगी पर। समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेड़ से रुक जाए। भय का धुआं जो लोगों के हृदय पर छा गया था एकाएक हट गया। उनके चेहरे कठोर हो गए। दारोगा ने उनके तेवर देखे तो तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। दो सिपाहियों ने बढ़कर कोदई की बाह पकड़ ली। कोदई ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं कहीं भागूंगा नहीं। चलो, कहाँ चलते हो? ज्यों ही कोदई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की ओर लपके कि कोदई को उनके हाथों से छीन ले। सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिस वालों के चारों ओर जमा हो गए। दारोगा ने कहा, तुम लोग हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। समूह ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय बोल कर दिया और एकाएक दो कदम और आगे खिसक आए। दारोगा ने देखा अब जान बचती नहीं नजर आती है, नम्रता से बोला, नायक साहब, यह लोग फसाद पर आमादा हैं, इसका नतीजा अच्छा न होगा। नायक ने कहा, नहीं, जब तक हम में एक आदमी भी यहाँ रहेगा आपके ऊपर कोई हाथ ना उठा सकेगा।
आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम और आप दोनों एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं। यह हमारी बदनसीबी है कि हम आप दो विरोधी दलों में खड़े हैं। यह कहते हुए नायक ने गांव वालों को समझाया, भाइयों मैं आपसे कह चुका हूं, यह न्याय और धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियार से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है, हमें तो किसी से भी लड़ना नहीं है। दारोगा की जगह कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी इतनी ही रक्षा करते। दारोगा ने कोदई चौधरी को गिरफ्तार किया है, मैं इसे चौधरी का सौभाग्य समझता हूँ। धन्य है वे लोग जो आज़ादी की लड़ाई में सजा पाए। यह बिगड़ने या घबराने की बात नहीं है, आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दें। दारोगा और सिपाही कोदई को लेकर चले, लोगों ने जय ध्वनि की, भारत माता की जय। कोदई ने जवाब दिया, राम राम भाइयों, राम राम, डटे रहना मैदान में, घबराने की कोई बात नहीं है, भगवान सबका मालिक है। दोनों लड़के आंखों में आंसू भरे आए और कातर स्वर में बोले, हमें क्या कहे जाते हो दादा? कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा, भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वह करना जो मर्दों को करना चाहिए। भय सारी बुराइयों की जड़ है, इसे मन से निकाल डालो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सत्य की कभी हार नहीं होती। आज पुलिस के सिपाहियों के बीच में कोदई को निर्भयता का जैसा अनुभव हो रहा था वैसा पहले कभी न हुआ था। जेल और फांसी उसके लिए आज भय की वस्तु नहीं गौरव की वस्तु हो गई थी। सत्य का प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा, मानो वह कवच की भांति उसकी रक्षा कर रहा हो। गांव वालों के लिए कोदई का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ न कर सकें, अब वे मुंह कैसे दिखाएं? हर एक के मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गांव लुट गया। सहसा नोहड़ी ने चिल्लाकर कहा, अब सब जने खरे क्या पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा या अभी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेशरम हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर न होते तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़ों से पीटते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा चोकर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया उसी दिन मार पड़ने लगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दों की तरह परे गिद्धों से अपने आप को नोचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। जब इज्जत ही न रही तो क्या करोगे खेती बाड़ी करके धर्म कमाकर? जीकर ही क्या करोगे? क्या इसीलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाते जाएं, इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो यह कायरता, आखिर एक दिन खाट पर परे परे मर जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते? मैं तो बुढ़ी औरत हूं लेकिन और कुछ न कर सकूंगी, तो जहां यह लोग सोएंगे वहां झाड़ू तो लगा दूंगी, इन्हें पंखा तो झलूंगी। कोदई का बड़ा लड़का मैकू बोला, हमारे जीते जी तुम जाओगी काकी? हमारे जीवन को धिक्कार है, अभी तो हम तुम्हारे बालक जीते ही हैं। मैं चलता हूं उधर, खेती बाड़ी गंगा देखेगा। गंगा उसका छोटा भाई था, बोला, भैया तुम यह अन्याय करते हो, मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे तो गृहस्थी संभालोगे, मुझसे तो कुछ ना होगा, मुझे जाने दो। मैकू बोला, इसे काकी पर छोड़ दो, इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, जिसे काकी का हुक्म हो वह जाए। नोहड़ी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, जो मुझे घूस देगा उसी को जिताऊंगी। मैकू बोला, क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी? हमने तो समझा था यहाँ ईमान का फैसला होगा। नोहड़ी बोली, चलो रहने दो, मरती दाई राज मिला है तो कुछ तो कमा लूं। गंगा हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हें घूस दूंगा काकी, अब की बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तमाखू का पत्ता लाऊंगा। नोहड़ी बोली, तो बस तेरी ही जीत है, तू ही जाना। मैकू बोला, काकी तुम न्याय नहीं कर रही हो। नोहड़ी बोली, अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम ही करोगे। गंगा ने नोहड़ी के चरण छुए, फिर भाई से गले मिला और बोला, कल दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूं। एक आदमी ने कहा, मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवाराम।
सबने जय घोष किया। सेवाराम आकर नायक के पास खड़ा हो गया। दूसरी आवाज आई, मेरा नाम लिख लो, भजन सिंह। सबने जय घोष किया। भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-5 गांवों में पहलवानी के लिए मशहूर थे। यह अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया। तुरंत ही तीसरी आवाज आई, मेरा नाम लिखो, घूड़े। यह गांव का चौकीदार था। लोगों ने सिर उठा उठा कर उसे देखा। सहसा किसी को विश्वास ना आता था कि घूड़े अपना नाम लिखाएगा। भजन सिंह ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है घूड़े? घूड़े ने कहा, मुझे वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है। 20 साल तक गुलामी करते करते थक गया। फिर आवाज आई, मेरा नाम लिखो, काले खां। वह जमींदार का सहना था, बड़ा ही जाबेड़ और दबंग। फिर लोगों को आश्चर्य हुआ। मैकू बोला, मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया है। क्यों? काले खां गंभीर स्वर में बोला, क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पर ना आने दोगे भाई? अब तक जिसका नमक खाता था उसका हुक्म बजाता था, तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ कि मैं बड़े भारी मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है, अब मुझे माफी दो। पांचों रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे, चीखते थे, मानो उन्होंने सचमुच स्वराज्य पा लिया हो। और वास्तव में उन्हें स्वराज्य मिल गया था। स्वराज्य चित्त की वृद्धि मात्र है। ज्यों ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही स्वराज्य है। व्यवस्था और संगठन तो गौण है। नायक ने उन सेवकों को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप आजादी के सिपाहियों में आ मिले। इस पर मैं आपको बधाई देता हूं। आपको मालूम है हम किस तरह लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियां की जाएंगी, मगर याद रखिए, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर दीजिए। हम धर्म संग्राम में जा रहे हैं, हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा। आप इसके लिए तैयार हैं? पांचों ने एक स्वर में कहा, तैयार हैं। नायक ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी मदद करे। उस सुहावने सुनहले प्रभात में जैसे उमंग घुली हुई थी। समीर के हल्के हल्के झोंकों में प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो गए थे, मानो आजादी की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। वही खेत खलिहान है, वही बाग बगीचे हैं, वही स्त्री पुरुष हैं, पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, जो विभूति है, वह और कभी न थी। वही खेत खलिहान, बाग बगीचे, स्त्री पुरुष आज एक नई विभूति में रंगे हुए हैं। सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदमियों का जमाव हो गया था। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाजों से आकाश गूंज उठा। नए सैनिकों की विदाई, उनकी रमणियों का कातर धैर्य, माता पिता का आर्द्र गर्व, सैनिकों के परित्याग का दृश्य लोगों को मस्त किए देता था। सहसा नोहड़ी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई। मैकू ने कहा, काकी, हमें आशीर्वाद दो। नोहड़ी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बेटा, कितना आशीर्वाद लोगे? कई आदमियों ने एक स्वर से कहा, काकी, तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? नोहरी ने शुभकामना से भरे हुए स्वर में कहा, भैया, जाने के तो अब दिन ही हैं। आज न जाऊंगी, 2-4 महीने बाद जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो जीवन सफल हो जाएगा। 2-4 महीने में खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी। इतने बालक हैं, इनकी सेवा से मेरी मुकुट बन जाएगी। भगवान करे तुम लोगों के सुदिन आए और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा सुख देख लूं। यह कहते हुए नोहड़ी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और जत्था गाता हुआ जाता था। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। नोहड़ी के पांव जमीन पर न पड़ते थे,
मानो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग जा रही हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।